तभी मेरे लिए तब जाकर मेरे में हिम्मत आई कि मतलब चलो एक फिल्म अच्छी बनती है और एक समाज में एक मैसेज जाता है कि भाई ये हर कोई जैसा बोलता है कि जय भीम, तो जय भीम बाबा साहब ने खुद के लिए नहीं कहा कभी, उनके पीछे कोई फाउंडर मेंबर था और वो फाउंडर मेंबर था मिस्टर हरदास, जिनकी फैमिली आज भी कामठी में रहती है। मैं रिसेंटली मैं और हमारे नाती जी जो डायरेक्टर है उनके साथ मिलकर आए, बहुत अच्छे पेरेंट्स थे वो, और सॉरी उनके पेरेंट्स थे मिस्टर हरदास और बच्चे हैं उनके। आज उनका लड़का जो है 80 साल का है और उनका पोता है 40-45। फिर से मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि आज हमारे इस म्यूजिक लॉन्च के प्रोग्राम में आप आए, स्पेशली हमारे सीपी दरार से आए मिस्टर प्रकाश मुड़वे जी और मेरी टीम में पूरी मैं चाहूंगा कि वेरी 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 वेल नोन एक्टर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमारे बीच में जावेद इंदर साहब यहां पर आ जाएं और के बारे में फिल्म की जर्नी के बारे में। हिंदी जी हमारे दोस्त हैं और पहला कदम उन्होंने उठाया है, चीज बनाया पूरी टीम के साथ में और एक अच्छी चीज बनाया और अभिनंदन साहब जिन्होंने हमारे कानून लिखा है, जिन्होंने सबको अपना हक दिया हिंदुस्तान में, जो कोई इतना छोटा ना बड़ा, उन पर ये फिल्म बनाए, इसकी खुशी है मुझे। आराध्यों सबको पसंद आएगी ये फिल्म। करोड़ों साल में पैदा होती है। आइए आगे बढ़ते
इतिहास के कुछ पन्ने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हें इतिहास से बाहर लाना जरूरी है, पब्लिक तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बाबू हरदास एलएनसी का जिक्र भारत से जुड़ा हुआ है, इनका नाम वो पब्लिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड इस किरदार को निभाने के लिए सबसे ने दिन रात मेहनत की है, 50 डिग्री में लोगों ने काम किया है, 15 घंटे 18 घंटे लोगों ने काम किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी रंग लाए सबकी मेहनत। थैंक यू वेरी मच। एक किरदार करते हुए एक जस्ट लाइक अ फ्रीडम फाइटर, उनके तरीका है। और आई वुड लाइक टू डू दिस, एक्चुअली मेरा भी एक कहना था कि मानना था कि मुझे भी ऐसा कुछ कैरेक्टर करने की मन से इच्छा थी। और थैंक यू वेरी मच दोषी सर एंड सुबोध जी दैट कैन चूज मी फॉर दिस कैरेक्टर, और रियली आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। Thank you very much for जय भीम का, लेकिन जय भीम का स्लोगन रेज करने के पीछे जिन महान व्यक्ति का नाम था वो आज कोई नहीं जानता। बोले इंडिया जय भीम उसी महान व्यक्ति के विषय में है, उनका नाम था बाबू एलन हरदास। उनकी कहानी आई बिल्कुल, मैंने इसके लिए पहले तो ये किया कि सचिन सर और ममूटी जी इन्होंने ये किरदार निभाया था, मैंने उनके थोड़े रेफरेंसेस लिए, नोट्स लिए, मैंने थोड़ी लिबर्टीज़ लेने की कोशिश की, क्योंकि बाबा अंबेडकर साहब ऐसा बताते हैं बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मैंने कई जगह आई ट्राई टू स्टक टू इट, मैंने कोशिश की है कि उसी के इर्द गिर्द रहूँ। मैं बेसिकली मराठी स्पीकिंग एक्टर नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मुझे बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। मैंने 1.5 महीने तक लगातार मराठी में लोगों से बात की है, मैंने मराठी में पूरा ग्रिप लाने की कोशिश की, और इस रोल के लिए मैंने 10 किलो वजन बढ़ाया। बढ़ा तो लिया, अभी कम करने के लिए ना नहीं याद आ रही है, पर ठीक है। नहीं, इस रोल के लिए 10 नहीं, मुझे कुछ भी करना होता आई वुड हैव डन इट। थिएटर से हूँ, 5 साल से थिएटर्स कर रहा हूँ, ड्रामास लिखे हैं, ड्रामास डायरेक्ट किए हैं, अभी 2-3 पिक्चर्स कर रहा हूँ। हाल ही में अकीरा रिलीज़ हुई, उसमें छोटा सा रोल था, चल अकेला रे कर रहा हूँ, चल अकेला रे, और अभी ये बाबा साहब अंबेडकर की मूवी। कहीं डर लगा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए मुझसे, ऐसा महसूस हुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी था, न सिर्फ मेरे लिए, हम सबके लिए थोड़ा डरे रहना बहुत ज़रूरी था। जब तक डर नहीं होगा आदमी उस चीज़ में परफेक्शन नहीं लाएगा, एंड हम हर कदम पे चौकन्ना थे कि हम जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो शर्ट टाई घड़ी जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इर्द वो बाबा साहेब अम्बेडकर से हटकर नहीं होनी चाहिए थी, एंड वो फील लाने के लिए हम सब डरे हुए थे, एंड हमने पूरी कोशिश की। एंड आज वो डेट आ गई जब मूवी रिलीज़ हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश, बाबा साहब अंबेडकर का जीवन अपने आप में एक संदेश है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हम आज इतने भी जो झगड़े हो रहे हैं ऊंच नीच को लेके, कौम को लेके, उन्होंने इस चीज़ पे हमेशा अपनी टिप्पणी रखी, एंड बहुत स्ट्रांगली रखी कि नहीं, सब एक है, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। उन्होंने उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली किया, ये संदेश तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आना ही है। बट इस कहानी में, इस पिक्चर में, ये संदेश के साथ साथ बाबू हरदास एलन जी की जीवन को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। अच्छा, बाबू जी को दर्शाया गया, तो ये अम्बेडकर सर कहीं फ्लैशबैक में आ रहे हैं किस तरह से? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा, वो आप पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। फ्लैशबैक में नहीं है, आप देखेगा इसको तो पता चलेगा। टाइटल है बोले इंडिया जय भीम जी, फिल्म हमारा ठीक है। हाँ, हिंदी फिल्म होती शायद और इम्पैक्ट पड़ता और लोगों को उसकी ये। आप देखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर फॉरेन से आए थे, उन्होंने अपनी डिग्री वगैरह
लंदन से जो लेकर इंडिया आए थे, तो यहाँ पे उनका बेसिकली उनकी लैंग्वेज हिंदी थी। फिर जब वो सीपी बरार प्रांत में आए, वहाँ पे उन्होंने मराठी लोगों के साथ कनेक्टिविटी के लिए मराठी में भी बात की। वो देश भर में जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ की लोगों भाषा में उन्होंने बात करने की कोशिश की, एंड हिंदी में भी उनका बहुत अच्छा था, लोग उनकी हिंदी से भी कनेक्ट होते थे। इसलिए उन्होंने इस मूवी का टाइटल हमने वो रखा जो ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट, बोले इंडिया जय भीम। बट लैंग्वेज जो है मराठी लैंग्वेज में फिल्म बन रही है, हिंदी होती तो शायद और इम्पैक्ट होता, ये कह रहा हूं। नहीं, आप ये देखिएगा, इसको हिंदी में भी रिलीज करने वाले हैं। मैंने पहले तो उनके, मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता, लेकिन जैसे ही मुझे रोल के बारे में पता चला मैंने उनके बारे में रीडिंग शुरू की। मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हाथ कैसे होगा उनका, गर्दन कितनी ऊपर रखेंगे, मैंने कोशिश की उनके नज़दीक पहुँचूँ। आज वो इतनी महान व्यक्ति है, मैं उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की है, मैंने जान लड़ा दी इसके लिए कि मैं बेस्ट जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, एंड मैंने कोशिश की है। बाकी आप जनता जनार्दन, आप लोग बताएंगे मैं कितना सक्सेसफुल रहा हूँ कितना नहीं।